हेलो गाइस, तो मेरा नाम अभिषेक है और जैसा कि आप लोग जानते हैं, आरआरबी पीओ का प्री का रिजल्ट आउट हो चुका था और आज उसका स्कोर कार्ड भी आ गया है, आरआरबी पीओ प्री का। तो हम चेक करते हैं साथ में ही लाइव कितना मेरा स्कोर रहा। मेरे अटेम्प्ट में बताता हूँ, पहले मैं लॉग इन करता हूँ। 2502224630, पासवर्ड एंटर कर लेते हैं। एंड कोड डाल लेते हैं Q2BJ5। सर्वर इशू आ रहा है, लॉगिन होने में प्रॉब्लम आ रही है। खुल गया, बाप रे। तो देख सकते हैं भाई, मेरे 51.25 मार्क्स आए हैं और रीजनिंग में मैंने 35 अटेम्प्ट किए थे तो मुझे 34.25 मार्क्स मिले हैं और क्वांट में ड्रेस्टिकली मेरे मार्क्स रिड्यूस कर दिए गए हैं। मेरे अटेम्प्ट 25 थे और मैं 100% एक्यूरेसी से करके आया था, लेकिन मेरी फर्स्ट डे की फर्स्ट शिफ्ट थी तो मुझे सिर्फ 17 मार्क्स दिए उन्होंने। मेरे 60 अटेम्प्ट थे ओवरऑल और मुझे 51.25 मार्क्स मिले। तो ये होता है नॉर्मलाइजेशन। आप लोग बोल रहे थे कि नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है, तो देख लो, 25 अटेम्प्ट से मेरा रिव्यू सेल्फ गिवन एनालिसिस मेरे एग्ज़ाम का मैंने अपने चैनल पर डाला है। तो उसमें मैंने बताया कि मैं 25 अटेम्प्ट किए थे अकाउंट में, बट क्योंकि फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम इजी था तो सिर्फ 17 मार्क्स मिले हैं और ओवरऑल 51.25 कट ऑफ से 5 साढ़े 5 मार्क्स ज़्यादा लगभग। तो ये है नॉर्मलाइजेशन। और जिसकी अभी जो अलग शिफ्ट में रही होगी, जो हार्ड शिफ्ट थी, सेकेंड थर्ड फोर्थ आगे चल के सारे शिफ्ट हार्ड हो गए थे, तो उनके मार्क्स डेफिनेटली बड़े होंगे क्वांट और रीजनिंग में। आप लोग बताना आपका बड़े कि नहीं। तो ये था मेरा स्कोर कार्ड एंड थैंक यू, बाय बाय। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।